आज हम बनाएंगे दाल मखनी। दाल मखनी घर पर बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं और होटल से भी अच्छी लगती है अगर अच्छी तरह से बनाया जाए तो। पतली गाढ़ी आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए राजमा और ये है साबुत उड़द। साबुत उड़द हमने 300 ग्राम लिए हैं और राजमा 200 ग्राम। तो इसको हमने पहले से ही भिगो के रख लिया है, राजमा को 8 घंटे और दाल को 4 घंटे। दाल को आप बिना भिगोए भी डाल सकते हैं, उसमें ज़्यादा सीटी देनी पड़ती हैं। और ये हमने उबलने रख दिए हैं और ये टमाटर भी हमने उबाल लिए हैं। आप कच्चे टमाटर की भी प्योरी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये उबाल कर बनाई है। उसको पीस लें। इसे फिर हम कढ़ाई में घी डालकर उसमें जीरा डालेंगे, हींग डाल देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे अदरक। इसे डालकर भून लें अच्छी तरह से। हरी मिर्च भी डाल दें, चलाते रहें। और फिर ये डालें धनिया पाउडर, ये हमने इसमें डाल दिया है। और इसे चलाते रहें, धनिया भी डाल दें, नमक, नमक हमने दाल में उबलने में डाल दिया है, टमाटर में भी पीसने में डाल दिया, थोड़ा ही डालें। और ये लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें। इसमें टमाटर प्यूरी डाल दें और इसे अच्छी तरह से भून लें और चलाते रहें, बीच बीच में चलाते रहें जिससे कि लगे नहीं। और ये भुन गई है। इधर हमारी दाल भी उबल कर तैयार हो गई है। इसको देख लें कि अगर ये कच्ची है तो एक दो सीटी और दे सकते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से गल गई है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे चला लें इस तरह से। और फिर हम इसको टमाटर प्यूरी जो हमारी तैयार हो गई है उसमें डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से। सारी दाल इसमें डाल दें, ये मिक्सअप हो जाती है। इस तरह से चलाते रहें, पानी एक साथ ना डालें इसमें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अगर आपको जितनी गाढ़ी जितनी पतली रखनी है उस हिसाब से पानी डाल दें। ये कढ़ाई छोटी रह गई थी, ये बड़ी कढ़ाई में करिए। दाल हमारी थोड़ी ज़्यादा थी तो उसमें उबाल नहीं आ पा रहा था, सही से निकल जाती। तो ये हमने बड़ी कढ़ाई में डाल ली है और इसमें अब हम डालेंगे दाल मखनी मसाला। 2 चम्मच हमने डाल दिया है। और फिर इसमें उबाल आने तक फिर थोड़ी मंदी गैस कर दें और इसको पकने दें। तो हमारी ये दाल मखनी तैयार हो गई है। हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं इस तरह से। अगर आपको गाढ़ी लग रही है तो थोड़ी पतली कर सकते हैं, अगर पतली लग रही है तो थोड़ी गाढ़ी रख सकते हैं, इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारी दाल मखनी घर पर फटाफट तैयार हो जाती है इस तरह से। अगर आप मक्खन ज़्यादा खाते हैं या शौक है तो डाल सकते हैं, अगर अदरवाइज अगर मक्खन का नुकसान देता है तो कम डालें, ना डालें ऊपर से, ऐसे भी खा सकते हैं। और इस तरह से दाल मखनी तैयार हो जाती है। आप इसको फुलके के साथ, पूरी के साथ किसी भी तरह से खा सकते हैं। देखो इस तरह से ये बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप भी बनाकर देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।